नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। बुधवार के दिन संसद के अंदर और बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ सिर फिरे संसद में घुस गए। उन्होंने विजिटर गैलरी से छलांग लगा दी और एक पीले कलर का धुआं छोड़कर वहां पर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने की एक नाकाम कोशिश की। संसद के बाहर भी कुछ सरफिरे मौजूद थे और दोनों जगह पर इस तरह की हरकतें की गई जिससे कि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि देश का युवा बहुत परेशान है और बेरोजगारी के चलते वो भगत सिंह की तरह असेंबली में जाकर बम भी फेंक सकता है। लेकिन ये नैरेटिव जो गढ़ा गया और जो एक चित्र बनाने की कोशिश की गई उसके उस सारे षड्यंत्र को अब जो है जांच एजेंसियां वो बेनकाब करती हुई दिख रही है। हालांकि विपक्ष की ओर से इन युवाओं को छात्र बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि गरीबी की वजह से, महंगाई की वजह से ये घटना हुई और इस घटना को अंजाम दिया गया और इस की आड़ में इन जो शातिर अपराधी है, इनको शातिर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये जो सब कुछ किया है वो प्री प्लान्ड वे में किया, कैसे इन्होंने साजिश रची और कैसे इसमें विदेशी तार भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ये पहले आपको पुराने वीडियोस में वीके न्यूज़ बता चुका है। अगर ये बेरोजगार छात्र थे तो इनके पास फ्लाइट टिकट के पैसे कहाँ से आते थे, क्योंकि जो सागर शर्मा है उसके बारे में खुलासा हुआ है कि वो बेंगलोर से जब लखनऊ आता था तो फ्लाइट से ट्रैवल किया करता था। तो अगर ये बेरोजगार युवा था, इसके पास नौकरी नहीं थी, तो फ्लाइट से चलने के पैसे इसके पास कहाँ से आए। दूसरा, एक जो मनोरंजन देवराज है उसके बारे में खुलासा हुआ है कि वो थाईलैंड के रास्ते कंबोडिया जा चुका था, तो कंबोडिया घूमने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए या कौन उसको कंबोडिया ले गया था और कंबोडिया में रहकर वो क्या करता था। अगर वो बेरोजगार था तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से थे। तीसरी, इस मामले में जो आरोपी है नीलम की उम्र 40 पार बताई जा रही है, 42 के आसपास उसकी उम्र बताई जा रही है। हालांकि डिग्रियों का उसके पास अंबार है, लेकिन सारी डिग्रियां मिलाकर ये सोशल मीडिया पर अब मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि सारी भी अगर जितनी डिग्रियां उसके पास है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां उसने ले रखी हैं, उसका भी अगर सारा कार्यकाल 12वीं के बाद मिलाकर कर दे तो 9 साल और 18 साल, 27 साल की उम्र में सारी डिग्रियां उसने ले ली होगी। तो 27 साल के बाद अब 40 साल, मतलब 13 साल उसको हो गए। 13 साल में अगर उसको नौकरी नहीं लगी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी शिक्षा गड़बड़ है या उसकी पढ़ाई नकल करके वो पास हुई है, नकल करके उसने डिग्रियां ली है? और मोदी सरकार तो 9 साढ़े 9 साल से, उसके पहले मनमोहन सरकार में भी 4 साल उसको नौकरी क्यों नहीं मिली, ये सवाल लोग जो है वो सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। तो इसके लिए मोदी सरकार कैसे जिम्मेदार हो गई जिसके लिए वो तानाशाही और ये इस तरह की बातें कर रही थी। पूनम के बारे में और भी खुलासे हुए कि वो कई आंदोलनों से जुड़ी रही है और वो प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है, ये भी खुलासे हुए। लेकिन अब इस मामले में जो नया अपडेट सामने आया है, दरअसल प्लानिंग किस तरह से इन लोगों ने की थी और षड्यंत्रकारी मैं इनको इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन्होंने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद शातिर अपराधी की तरह सारे लोगों के फ़ोन इकट्ठा करके एक व्यक्ति राजस्थान जाता है, राजस्थान में उन फ़ोन को नष्ट कर देता है और फिर वो थाने में आके सरेंडर कर देता है। तो जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ये एक स्वतः स्फूर्त छात्रों के द्वारा की गई घटना है, इससे तो ये वीके न्यूज़ पहले दिन से कह रहा है कि स्वतः स्फूर्त छात्रों के द्वारा की गई घटना नहीं है, क्योंकि छात्र अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देते तो वो इस तरह की प्लानिंग नहीं करते, जूते नहीं बनाते विशेष तरीके के जिसमें छिपा कर लाए जाए, मीटिंग्स नहीं होती, रेकी नहीं की जाती। जैसे पहले हमने बताया कि जून के महीने में भी संसद की रेकी करने के लिए आरोपी आए थे, तब इन्हें पैसे किसने मुहैया कराए। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़ोन नष्ट नहीं करते वो, सबके फ़ोन जमा करके एक आरोपी राजस्थान भागते। तो इसलिए सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत किया गया कांड है। लेकिन कहते हैं कि अपराधी भी कितने भी शातिर हो, वो कोई ना कोई गलती कर जाते हैं और वो गलती इन लोगों ने कर दी और अब एक एक करके इनके बारे में खुलासे सामने आ रहे हैं। अब नया अपडेट ये है कि ये जो अपराधी जिस फोन को नष्ट करके आए थे उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि जो इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने इन फोन्स को बरामद किया है। राजस्थान के नागौर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम गई थी जहां से इन्होंने बताया था कि इन फोन को नष्ट किया गया है। हालांकि जो फोन मिले हैं सारे के सारे साबुत तो नहीं हैं, वो जली हुई हालत में मिले हैं, लेकिन इस कांड को अंजाम देने से पहले जैसे सारे आरोपियों से फ़ोन इकट्ठा करके ललित झा राजस्थान ले गया था और राजस्थान में उसने इन फोन्स को तोड़कर जला दिया था, तो ललित ने फिर इन फोन्स की लोकेशन बताई और जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची तो फ़ोन सारे मिल गए हैं।
फोन बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन वो फोन सारे के सारे जली हुई हालत में है। हालांकि इससे कितना डेटा जो है वो रिकवर हो पाता है, ये जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द वाला काम है कि इसमें से कितने सबूत वो इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि ये जो डिजिटल एविडेंस के लिए मोबाइल जो फोन्स थे ये बहुत बड़ा सबूत हो सकता था, क्योंकि किससे आप इंटरकनेक्ट हुए, कितने दिनों तक आपने किस किस से बात की, किस किस से आपको मदद मिली इस काम के लिए, सब कुछ सबूत जो इस फोन में बंद थे। और शायद अपराधी इस बात को अच्छे से जानते थे, उनको ट्रेंड किया गया था कि आपको सबूतों को कैसे मिटाना है, लेकिन जिन सबूतों को इन्होंने मिटाया वो बरामद कर लिए गए हैं और ये एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर जांच एजेंसियों के बड़े काम आएंगे कि इन लोगों ने कैसे प्री प्लान्ड करके, क्योंकि विपक्ष जो इनको एक छात्र बताने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो जले हुए मोबाइल ही मिले हैं, लेकिन ये जले हुए मोबाइल भी अदालत में इस बात के लिए, इस बात के प्रमाण होंगे कि शातिर अपराधी है, ये कोई छात्र नहीं है, और इन्होंने प्री प्लान्ड तरीके से, प्लान्ड वे में सब कुछ किया और सबूत मिटाने की भी इन्होंने कोशिश की। तो सबूत मिटाने की जो धारा है UAPA तो वैसे ही इन पर लग चुका है, और अगर इन्होंने सबूत मिटाए हैं तो ज़रूर निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इसमें कनेक्शंस होंगे, इस फोन में कुछ न कुछ होगा जिसे इन्हें छिपाने के लिए इस तरह का काम किया। तो जो जांच एजेंसियां हैं इनका विदेशी लिंक खंगालने की कोशिश कर रही है, क्या फंडिंग किसने की इनको इस काम के लिए, क्योंकि इतने दिनों से अगर इस काम में लगे हुए थे तो जाहिर तौर पर है ये बेरोजगार युवा, इनके पास पैसे तो होंगे नहीं, क्योंकि नौकरी इनके पास नहीं है तो पैसे कहाँ से होंगे इनके पास, तो किसी ने न किसी ने इनको पैसे दिए हैं, फंडिंग की है। कल एक सवाल और उठाया था हमने कि जो ये जो छात्र जिनको बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से, इसमें से एक जो है ललित झा, इसके कांग्रेस और TMC नेताओं के साथ बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें सामने आई है, गलभैया करते हुए तस्वीरें है। दूसरी पूनम आज़ाद जो है उसकी तस्वीरें भी कई, चूंकि वो आंदोलन में रही है तो जाहिर तौर पर बात है कि जो विपक्षी सांसद है उनके साथ बड़े अच्छे संबंध होंगे पूनम के, तो इन सांसदों के जरिए भी वो संसद में एंट्री कर सकते थे, आराम से इनको पास मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने एक प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के सांसद को ही चुना जिससे कि जिसके पास पर ये संसद में एंट्री कर सके, अन्यथा ललित झा जो है उसके जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं के साथ संबंध थे, TMC नेताओं के साथ संबंध वाली तस्वीरें आ रही है, तो इजीली पास एक्सेस कर सकता था, लेकिन वेट किया गया और BJP सांसद की ओर से जब पास मिली तभी इन लोगों ने एंट्री की। अब जो है जो नया अपडेट है, जो सबूत इसमें मिले हैं, अब स्पेशल की टीम इन फोन से जो है वो जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, जले हुए फोन है, लेकिन जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी और इसमें अहम सबूत जो है वो मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो दिल्ली स्पेशल सेल है उसको और भी कुछ सबूत मिले हैं, इसमें मोबाइल फ़ोन के जले हुए अवशेष तो है ही है, साथ ही आरोपियों के कपड़े और जूते भी स्पेशल सेल ने बरामद किए हैं और कुछ कागजात भी पुलिस को मिले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एक कागजात बताया जा रहा है, इसमें कुछ सुराग हैं जो घटना के समय आरोपियों के पास मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें हैं और दिल्ली पुलिस जो है वो गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही, रिमांड पर अदालत ने उन्हें दिया हुआ है 7 दिन की रिमांड है, और अलग अलग जाकर जगहों पर जाकर जो इनसे पूछताछ में जो जगह बताई जा रही है वहाँ से सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है जांच एजेंसियाँ, ताकि इस केस को एक मजबूत केस बनाया जा सके और एक नज़ीर पेश की जा सके कि देश की संसद में घुसने वाले ये जो आरोपी है, ये जो साजिशकर्ता है, षड्यंत्रकारी है, वो छात्र नहीं है, इन्होंने प्री प्लान्ड करके, और इनका मकसद क्या था असल में। हालांकि दिल्ली पुलिस ये अपनी अदालत में बता चुकी है, इनके देश में अराजकता फैलाना इनका मकसद था और उसी मकसद से इन्होंने इस कांड को अंजाम दिया था, और लेकिन अब इसके पीछे हाथ किसका है, फंडिंग कौन कर रहा था, कौन इनकी प्लानिंग में और शामिल है, ये सब जांच एजेंसियों के आगे बड़े सवाल है और इसको ही खंगालने में भी जांच एजेंसियां जुटी हुई है। लेकिन अपडेट ये कि जो फोन जिनको जला दिया गया था उसे बरामद कर लिया गया है, कुछ और भी सबूत स्पेशल सेल के हाथ लगे हैं जिसकी तफ्तीश में अब ये एजेंसियां जुट गई हैं। ये इस मामले में नया अपडेट है, आगे भी इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट होगा आपको हम देते रहेंगे, आप देखते रहिए VK News। नमस्कार। VK News, राष्ट्र के नाम।